मुरादाबाद से है। कलेक्टर पर पहुंचकर शिव सैनिकों ने दिया प्रदर्शन, कहा कि दिन ब दिन बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप, आखिर अस्पतालों में क्यों नहीं है सुविधा। आपको बता दें कि शिव सैनिक कार्यकर्ताओं ने थाना सिविल लाइन स्थित कलेक्टर पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने अपनी मांग रखते हुए जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि जिला एवं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में डेंगू का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हजारों मरीजों की भर्ती रोज हो रही है, काफी की मृत्यु भी हो चुकी है, और उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं दी जा रही। उनका कहना है कि 2 वर्ष से इसी तरीके से देखने को मिल रहा है, पर इसके बावजूद भी इसे लेकर किसी भी तरह की तैयारियां नहीं हो रही। प्राइवेट अस्पतालों में और सरकारी अस्पतालों में अच्छी सुविधा नहीं दी जा रही, और कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में एक निजी लैब में डेंगू की जाँच को लेकर अधिक धन वसूला जा रहा व खून की बोतलें चढ़ाई जा रही है। जाँच को न होने के कारण अब बेड देने के नाम पर भी मरीजों से अधिक धनराशि वसूली जा रही है। इसमें उन्होंने जिला अधिकारी से मांग करते हुए कहा कि अस्पतालों की निर्मम जांच होनी चाहिए और इन वसूली करने वाले लोगों पर अंकुश लगाना चाहिए। जितने भी शहर के बड़े हॉस्पिटल हैं ना, आप खुद भी जांच करोगे तो स्थिति ये है कि मना करेंगे, अभी हमारे पास बेड नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा पैसे दे दोगे तो बेड परवेज भाई बस यहीं रहना। ये बड़ी भयानक स्थिति बन गई है, जिस तरह से आपने कोरोना में देखा उसी तरह की स्थिति आज डेंगू को देखने को मिल रही है। पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति के साथ साथ मुरादाबाद जिले में और मुरादाबाद महानगर में मौतों की संख्या बढ़ रही है, और उसी के साथ साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनकी लूटपाट का अनुपात भी बढ़ रहा। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ आपको बेड उपलब्धता नहीं होगी, लेकिन अगर आप पैसे दोगे अधिक तो उसको आपको बेड भी मिल रहा, आपको व्यवस्था भी मिल रही है। गरीब कमजोर आदमी कहाँ जाएगा, नगर निगम के द्वारा कोई छिड़काव नहीं है, गंदगी पूरे शहर के अंदर बढ़ी हुई है। सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओगे तो उसकी स्थिति बदतर बदतर दिख रही है। तो हम सब लोगों का कहना यह कि डेंगू इस तरह से आ गया कि हमें इसे पूरी तरह लड़ना पड़ेगा। हमने प्रशासन से भी ये बात रखी है कि इसमें सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ नगर निगम और प्राइवेट डॉक्टरों की एक मीटिंग सभागार में बुलाई जाए, उन लोगों को पूर्ण रूप से जो इस तरह से लूटपाट है उसे बंद करा जाए, और सामाजिक और राजनीतिक संगठनों को साथ लेके इसमें जागरूकता अभियान चलाए जाएँ, और नगर निगम को अधिकारियों के खिलाफ भी माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से निर्देश जारी हों कि जिस तरह डेंगू बढ़ रहा, गंदगी बढ़ रही है और शहर के अंदर जिस तरह अव्यवस्था, उन सबको लेकर के हमने ज्ञापन दिया, इन्हीं सब लोगों के लिए हम मिले। मुरादाबाद से रहन अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।